Hello my dear friends, I am back again with a new video of atomic structure today. Okay, so this is basically energy level diagram. As you can see, this is the ground state, or can say the first orbit. This is the second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit, and now as we move on, it is the infinite orbit. Okay, now second orbit, first orbit is also known as ground state. Second orbit is known as first excited state. Okay. Similarly, third orbit is known as the second excited state. Fifth orbit will be fourth excited state. Okay, so that's how it goes. Now see, there is a charge of negative 13.6 electron volt in the ground state of hydrogen atom. Okay, now as we move further, it becomes negative 3.4 volt. Okay, so electron takes 10.2 electron volt of charge. Okay, so as we move higher in the orbits, electron gains charge. Okay, मतलब सिंपल ये है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज गेन करेगा, और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन चार्ज को लूज करना होगा. ठीक है, जैसे -3.4 और ऊपर गया -1.51 और ऊपर गया -0.85 और ऊपर गया -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो ये देखो नेगेटिव साइन है, तो जैसे जैसे कम हो रहा है मतलब वैल्यू बढ़ रहा है. ठीक है, अब वैसे ही अगर वापस नीचे आए तो -5.54 फिर -0.85, मतलब चार्ज लूज करके और कम होते जा रहा है. ठीक है, उस हिसाब से ये जैसे जैसे नीचे आता है उसका चार्ज और कम होते जाता है. अब दूसरा चीज, नाउ देर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर. टी इज़ बेसिकली टोटल एनर्जी, पी इज़ बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, एंड के इज़ काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ एज वी मूव हायर इन द ऑर्बिट, ओके, टोटल एनर्जी इंक्रीजेज, एंड एज टोटल एनर्जी इंक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज एज वी मूव हायर इन द ऑर्बिट. ओके, वेयर एज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज. हम लोग जैसे जैसे ऑर्बिट में ऊपर जाएंगे, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा. ठीक है, नाउ nth एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू nth ऑर्बिट प्लस 1. ओके, दैट विल गिव अस द ऑर्बिट नंबर. लाइक इफ इट इज 10th एक्साइटेड स्टेट, देन ऑर्बिट नंबर विल बी 11. 10 प्लस 1 11. नाउ व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज देयर, देन गेन ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लो टू हाई. ओके, नाउ सिमिलरली इन केस ऑफ एमिशन देर इज लॉस ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाई टू लो ऑर्बिट्स. नाउ सी, देर इज वन मोर पॉइंट. हाउ कैन वी कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी डिफरेंस? वी कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला. ओके, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इन हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट. लाइक ई एन टू, इफ ई एन टू इज ग्रेटर देन ई एन वन, देन ई एन टू माइनस ई एन वन. और वी ऑल्सो नो द फॉर्मूला डेल्टा ई इक्वल्स 13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन एन स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट. और यू कैन टेक एनी ऑर्बिट विच यू आर गिवन. ओके, नाउ थर्ड इज डेल्टा ई एन मीन्स nth ऑर्बिट इज इक्वल टू डेल्टा ई एच, हेयर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन वी आर टेकिंग मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर. इट इज़ ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बिकॉज हेयर वी आर टेकिंग द केस ऑफ हाइड्रोजन ओनली. नाउ डेल्टा ई एच इज बेसिकली एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी वन क्वेश्चन हेयर. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम प्लस टू ट्रांजिट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? ग्राउंड स्टेट इज बेसिकली फर्स्ट ऑर्बिट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज बेसिकली सेकेंड ऑर्बिट. सो डेल्टा ई एच इन टू जेड स्क्वायर विल गिव अस ई टू माइनस ई वन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर. नाउ वैल्यू ऑफ जेड इज टू, सो टू स्क्वायर. नाउ वट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी एट सेकेंड ऑर्बिट? इट इज 3.4 माइनस 3.4 सॉरी सो माइनस 3.4 माइनस माइनस एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 13.6, सो माइनस ऑफ 13.6. सो ऑन कैलकुलेटिंग इट बिकम्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर इज 4. सो इट गिव्स अस 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इफ यू कैलकुलेट इट फ्रॉम द
formula also, then also you will get the same thing. Okay, I hope it's clear to you. That's all for today. Thank you.